गाइस अब हम देहरेन एयरपोर्ट पे हमारी बोर्डिंग होगी सारी चेकिंग सामान की। चले आप भी देख लें एयरपोर्ट से इतने बड़े होते हैं और इधर कितना चलना पड़ता है। स्कैन होंगे एक एक चीज़ आदमियों से लेके बैगों तक। हम चेकिंग होके अंदर आ गए हैं। आप बहरीन एयरपोर्ट की शान और शौकत देख सकते हैं कितना खूबसूरत है। ये सारे ही बड़े अच्छे थे बड़े लैविश अरबियों ने जो चीज़ें बनाई हैं ना यार कमाल ही। उन्होंने अपने लोगों को सहूलतें दे डाली। यहाँ पे फूड कोर्ट में आ गए हैं हम। यहाँ पे KFC ढूंढ रहे थे वो हमें मिल गया है। इसकी बैक साइड पे बर्गर किंग भी है मैकडोनल्ड नहीं नजर आया। अब हम यहीं पे अकोमोडेट हो जाएंगे। इधर इधर आ रहा ये साफ़ है इब्राहिम और अभी खाना है। अभी हमने रात को यहाँ से 12 बजे निकलना है। हमारा ज़रा लंबा स्टे है 4 घंटे के बाद। तो निकालो करो रश चेक करें। यहाँ पे जो मील है माइटी जिंगर का वो 3600 दिनार बनता है और जो जिंगर है वो 3000 दिनार। हमारे तो इतना महंगा नहीं पड़ता यार। ऑर्डर कर दिया है अब हम वेट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट्स होते हैं उनके रश का एरिया वैसे एरिया कंजस्टेड भी है। ये हमारा आ गया ये माइटी सिंगर है स्पाइसी और मुझे ना एलर्जी कोई हो गई है और ये सिंगर है। मेन्यू हमने दो लिए थे और मेरा सिंगल बर्गर और अब हम ये खाने लगे हैं फिर आपको बताएंगे ये कैसा है। गाइस इब्राहिम अब कंपेयर करेगा इटली के जिंगर से। उसमें ना उन्होंने काली मिर्च डाली होती है और नमक। और ये कैसा लगा इब्राहिम आपको? हमने वो 2 से 3 दफ़ा खाया अब और इसके बाद हमने इनकार कर दिया। इन्होंने कहा हमने ईद पे तोरिनो जाना है वो खाने। मैं कहा नहीं भाजी असी उन्हें खा सकते असी हूँ अरबियाँ का आगे खा रहे हैं फिर आके पाकिस्तान खाएंगे फिर आपको बताएंगे किसका टेस्ट बेटर है। ठीक है ना जिनका स्पाइसी सिंगर तो सही स्पाइसी है पाकिस्तान वाला यार मुझे नहीं अंदाजा था। इस तरह के जगह जगह इंफॉर्मेटिव लगे होते हैं कि आपकी आपने किस गेट नंबर पे चले जाना है जहाँ से आपको फ्लाइट पकड़नी है। हमारा अभी नहीं आया हाय कहीं आराम दे जगह पे बैठते हैं कॉफ़ी में बाद में पीऊँ। मैं ना पूरा ही सिंगर खा लिया बच्चियाँ से खाधा ही नहीं इब्राहिम ने इवन छोड़ दिया पर आपकी बहन ने पूरा खाया है गाय भूखी खातून ने। चलो जी ये सब चीज़ें हम लोग ना उधर छोड़ रहे हैं सेंट्रम इटली में। हाँ ये देखें कितना खूबसूरत है यार आप ज़मीन से लेके छत तक बहरीन एयरपोर्ट को चेक करें उसकी खूबसूरती उसकी सीढ़ियों के लपेटे चेक करें आप लपेटापन। ले गाइस न्यू मॉडल मर्सिडीज यार चेक इट आउट अरबी ही ले सकते हैं थे अरबी ही यूज कर सकते हैं खैर इटालियन भी खरीद सकते हैं। मैं तो दिल ही नहीं कर रहा इस गाड़ी को छोड़ के कहीं जाने को यार जिसको देख के ही आंखों में ठंडा भर जाए उसमें बैठ के क्या फील होगा। चलो करें फील करने वाले साढ़े देते साढ़े 4 पहिया वाली छोटी जी गड्डी भी बहुत है। हाँ गाइस आप ये देखें इतनी बड़ी स्क्रीन और नीचे देखें कितना प्यारा एरिया इतना खुला एरिया किसी भी एयरपोर्ट में नहीं है बच्चों के लिए बैठने की सीटें ही नहीं होती। ये एमिरेट्स और दुबई और दोहा क्या मैं प्यारा एयरपोर्ट इसकी खूबसूरती मैं गुम हो गई हूँ लोगों। अभी मैं कॉफ़ी पीने लगी हूँ नीली पिल्ली से चेक करें ज़रा जी मुझे मेरा ऑर्डर नंबर मिल गया है मेरी कैपुचिनो। इब्राहिम इधर आ जाओ यार ये देखो
ये इतनी अच्छी जगह, आ जाओ मेरे बच्चों, तुम्हारी मॉम का दिल इधर बैठने का है। गाइस चेक करो जरा, आए स्मॉल टी कैपुचिनो पीने का कितना मजा आना। देख लो बैग में, ये मेरी जैन मामा आ गए हैं। गाइस ये मेरी कॉफ़ी आ गई है, ये आपको पता है ये पानी की बोतल और कॉफ़ी कितने की पड़ी है, 10 यूरो की। मैं सुधर 1.5 यूरो की कॉफ़ी पीती थी। हाय गाइस, KFC हमको सही पड़ा है, 25 यूरो में इतना कुछ और 10 यूरो में आलू। और आप चेक करें ज़रा उसकी खूबसूरती, कितना हसीन मंजर है यार। गाइस इब्राहिम जैनब को के साथ गया है बाथरूम ढूंढने, और आप ये कैफ़े का माहौल चेक करें, बहुत ही आला, मेरे मज़ा ही आया मुझे इधर कॉफ़ी पी के। चलो जी पैसे पूरे, 10 यूरो पूरे चाहिए। गाइस अब हम नीचे जा रहे हैं, प्ले एरिया है बड़ा अच्छा, कॉफ़ी मेरी इतनी गर्म है, ये मैंने स्मॉल साइज ही लिया था, मैंने लार्ज नहीं लिया, कॉफ़ी भी कोई लार्ज पींदा। गाइस वो देखें हम उधर जाने लगे हैं, गाइस बहुत खूबसूरत, ये लें इनकी लिफ्ट चेक करें ज़रा, चलो जी नज़ारा लेने हैं। गाइस इस एरिया से हम आगे हैं, आप अरबी देखें वो क्लोज होने लगा है एरिया, क्या टाइम हो गया वैसे, 9:30 पे क्लोज हो जाता है ये। यहाँ से मैंने कॉफ़ी पी थी, चल इब्राहिम वो सामने चलते हैं, चलो वो सामने जाते हैं। गाइस इनकी सीलिंग्स देखें कितनी खूबसूरत है, वो दूर तक जाते हुए यार, बहुत खूबसूरत एरिया, अमेजिंग, मेसमराइजिंग एयरपोर्ट। हमारी गल्फ एयरलाइन 11:55 पे चलनी है। गाइस अब बोर्डिंग होने लगे हैं, हम एरोप्लेन में बैठने लगे हैं अब हम लोग रास्ते में। गाइस हमको ये विंडो वाली साइड मिल गई है, और ये एरोप्लेन पहले एरोप्लेन से बड़ा है, उसमें सेंटर में भी 3 और साइड साइड पे भी 3, उसमें सिर्फ साइड पे 3 और एक साइड पे 3। इब्राहिम पीछे चला गया, अब हमसे सेपरेट है। गाइस आप देख सकते हैं पहले एरोप्लेन से कितना फ़र्क है और डिफरेंट है। आप जैनब जैनब को इंजॉय करें, हमारा एरोप्लेन जो है वो है ना। ये हम लोग घर आ गए हैं, वो इब्राहिम बिजी हो गया है, वो अली है,
आपको आहिस्ता आहिस्ता हम इंट्रोड्यूस कराएंगे, वो जैनब है और ये साथ में हल्की हल्की सी कोई है, चले बाद में। ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, चाओ चाओ।